श्रीराममूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रस्तुत करते हैं स्वनिर्मित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक इनक्रेडिबल इंडिया। मैं इंजीनियर, वाह, मैं डॉक्टर, वाह, और मैं स्वीपर। जी, अरे देखा, वैसे तो हम सब एक थे, तुल्य थे हम, लेकिन किसी ने जरा सी आग लगाई और हम सब टुकड़ों में बट गए। जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, राम के काम जो आए वो देगा जवानी है। जय श्री राम। ये जमीन हमारे रामलला की है, यहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। अरे, ये जमीन हमारी 400 वर्षों की विरासत है और हम इसे टूटने नहीं देंगे। अगर ये जमीन टूटी मस्जिद तो हुई हासिल हमको, लेकिन इंसान गवाह बैठे। मंदिर तो बचा लिया लड़बड़ कर, मंदिर तो बचा लिया लड़बड़ कर, लेकिन भगवान गवाह बैठे। धरती को हमने नाप लिया, हम चार सितारों तक गए, कुल कायनात को जीत लिया, खाली इंसान गवाह बैठे। नफरतों का असर तो देखो, अरे नफरतों का असर तो देखो, जानवरों में बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। जब कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की थी, उसके आत्म सम्मान की रक्षा की थी, परंतु आज हमारे देश की हर गली के हर कोने में एक दुशासन टहल रहा है, परंतु आज उन द्रौपदियों के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी कुछ नहीं बचा है, कोई भी कुछ नहीं बचा है। क्या ये हमारा इनक्रेडिबल इंडिया? उठा द्रौपदी शस्त्र उठा लो, हमें गोविंद आएंगे, तुम्हें अपना चीर बचा लो, हमें गोविंद आएंगे। युद्ध बिछाए बैठे शकुनी, सोच की जलती अग्नि, मस्तक सब जब जाएंगे, उठा द्रौपदी शस्त्र उठा लो, हमें गोविंद आएंगे, हमें गोविंद आएंगे। छोटू, ये बर्तन धुल दो। अरे
छोड़ दिए तूने बर्तन, इसका पैसा क्या तेरा बाप देगा? हाँ, तेरा बाप देगा, तेरा बाप देगा, भूखा सोएगा तू। वाह! अरे किस गुमनाम अंधेरे में, अरे किस गुमनाम अंधेरे में है भारत तू पनप रहा? जिन हाथों होना था कलम दबा, वो हाथ ईंटकारों में सन रहा। अरे कैसा मासूम सा फरिश्ता, अरे कैसा मासूम सा फरिश्ता, दो वक्त की कमाने निकल रहा। जिन हाथों होना था कलम दबा, वो हाथ ईंटकारों में सन रहा, ईंटकारों में सन रहा। वो कैसे कीचड़ से लिपट रहे, वो कैसे कीचड़ से लिपट रहे, जिस मासूम की आंखों में कोई सपना भी पनप नहीं पाया, जिनके कोमल बचपन पर मजबूरी ही लहर रहा है। अरे ऐसा भागा बचपन ही, बाल मजदूरी कहलाए, बाल मजदूरी कहलाए। अरे ये दर्द आंखों में, ये दर्द आंखों में, उसने मुझसे पूछा यूं, आखिर हमारे साथ ही होता है क्यों? क्यों नसीबा हमसे ही रूठा रहता है? सच ही तो कहते हैं बाबू कि वो सिर्फ अमीरों के घर ही रहता है। है जो हमूर मेरे, उनकी सेवा करने को मजबूर, ते उठे सुबह स्कूल जाने को, और मैं उठूं उनका खाना बनाने को, क्या मैं बच्चा हूँ? क्या मैं बच्चा हूँ? हाँ ये मजबूर है, क्योंकि ये मजबूर है। अरे कभी सर्द में चिपक के देख लेना, अरे कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर जल कर देख लेना। आखिर हमारे असली स्टार कौन है? कौन है? कौन है? अमिताभ बच्चन। हम यही सोचते हैं हमारे असली स्टार फिल्मों में एक साथ 10-10 लोगों को मारने वाले या 6 गेंद पे 6 छक्के मारने वाले हैं, परंतु हमारे असली स्टार्स तो वो है जो सरहद पर हमारे मुल्क की और हमारी हिफाजत करते हैं, ताकि हम अपने घरों में चैन की थी। जातू और मैं हिंदू मुस्लिम के फर्क में मर जाते हैं, भाई वहाँ कुछ लोग हम दोनों के खातिर फर्क में चलकर मर जाते हैं। Thank you.
भैया उसका फोटो सबसे पहले मौत की मंडियों में, मौत की मंडियों में सबने बर्बर के बोलियां दी है। जब भी इस देश ने मांगी कुर्बानी तो हमने बर्बर के चोलियां दी है। हमको बहुत ज्यादा खेद है, ये घाट जो है हम बहुत ऊपर तक ले जाने वाले हैं भैया, बता रहे हैं। हमारी सरकार ये ऐलान करना चाहती है कि जो शहीद जवान हमारा शहीद हुआ है बॉर्डर पे, उसको हमारी सरकार की तरफ से पूरे 5 लाख रुपया मुआवजा और उसके परिवार के एक सदस्य को बार बार इसी को घुमा के हूँ बेटा हिंदुस्तान का, लहराता तिरंगा हिंदुस्तान का, डरकर पीछे कभी ना हटता, छक्कर में कभी ना रुकता, चाहे जितनी हो दुश्मन की टोली, खेलेंगे हम उनसे खून की होली, खुशियों से भर देंगे मौत तेरी झोली, चाहे सीने पर खाली हो गोली। अरे कसम बात के चल पड़े हैं, कसम बात के चल पड़े हैं, दुश्मनों को मारने चल पड़े हैं। हिंदुस्तान का अरे नींद उड़ गई मेरी, यह सोचकर शरद पर बढ़ने वाला खून मेरी नींद के लिए था। अरे देश के लिए प्यार है तो जताया करो,